हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह। आज एमडीएस काउंसलिंग 2021 के लिए एमसीसी के ऑफिशियल साइट पे जो ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल है वो पब्लिश्ड कर दी गई है ऑल इंडिया कोटा 50% के लिए। तो वैसे स्टूडेंट जिन्हें अभी भी मालूम नहीं है वो जाके चेक कर सकते हैं। कब है रजिस्ट्रेशन का डेट मैं वो बताता हूँ। ये शेड्यूल है, देखिए आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है कि जो ऑल इंडिया कोटा 50% के काउंसलिंग होगी जो एमसीसी के थ्रू कराई जाएगी, इसमें 15% ऑल इंडिया कोटा का जो गवर्नमेंट सीट होंगे वो 50% होंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट करेंगे जिनका 100% सीट होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी AFMS के जो कॉलेज है इनका सीटें भी अवेलेबल होंगे। रजिस्ट्रेशन का जो डेट दिया हुआ है और फी पेमेंट करने के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी का, वो 20 अगस्त से स्टार्ट होगा। 24 अगस्त तक ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा दोपहर के 2 बजे तक। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करने का जो लास्ट डेट है वो 24 अगस्त तक ही रहेगा, यानी कि टोटल 5 डेज का प्रोसेस है राउंड वन का। इसके बाद राउंड वन का जो च्वाइस फिलिंग होगा और च्वाइस लॉकिंग होगा वो 21 अगस्त से ही स्टार्ट हो जाएगा और ये 24 अगस्त को रात्रि 12 बजे तक रहेगा, यानी कि 11:15 तक रहेगा। यानी कि रजिस्ट्रेशन के दूसरे दिन से ही आपको च्वाइस फिलिंग और च्वाइस लॉकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। च्वाइस लॉकिंग का जो लास्ट टाइमिंग रखा गया है वो 3 PM टू 11:55 PM तक, 11:55 तक 24 अगस्त तक रखा गया है। इसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट है वो 25 अगस्त टू 26 अगस्त, रिजल्ट आ जाएगा वो 27 अगस्त को आ जाएगा। इसके बाद जो सीट मिलेंगी जो स्टूडेंट को वो सीट के जो अलॉट होगा उसके ज्वाइनिंग के लिए जो डेट दिया गया है वो 28 अगस्त टू 1 सितंबर 2021 तक आपको ज्वाइन करना है। इसके बाद राउंड वन के काउंसलिंग के बाद जो भी नॉन रिपोर्टिंग या नॉन ज्वाइनिंग सीटें बच जाएगी इसके लिए राउंड टू होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन का जो डेट दिया हुआ है वो 6 सितंबर टू 9 सितंबर 2021 दिया हुआ है। पेमेंट का फैसिलिटी जो है वो है 11:55 PM टू 11:55 9 सितंबर तक है। इसके बाद जो आपका च्वाइस फिलिंग च्वाइस लॉकिंग का जो डेट दिया हुआ है 7 सितंबर टू 10 सितंबर, और इसका जो अलॉटमेंट प्रोसेस है वो है 11 सितंबर टू 12 सितंबर, रिजल्ट आएगा 13 सितंबर को, और आपको जो रिपोर्टिंग का डेट रखा गया है वो 14 सितंबर टू 18 सितंबर 2021। इसके बाद जो होगा ऑल इंडिया कोटे का जो काउंसलिंग होगा 50% का वो यहीं पे समाप्त होगा। इसके बाद स्टार्ट होगा आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी और बाकी जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनका काउंसलिंग बच जाएगा। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन का डेट रखा गया है राउंड थर्ड के लिए वो आपको दिखा हुआ है, राउंड सेकंड के बाद जो सीटें होगी वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ थर्ड पॉइंट में, ट्रांसफ़र ऑफ नॉन रिपोर्टिंग एंड नॉन ज्वाइनिंग ऑब्लिक वैकेंट सीट टू स्टेट कोटा, जो ऑल इंडिया कोटे के जो सीट बचेंगे वो स्टेट के रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी 18 सितंबर 2021 को। ये ओनली ऑल इंडिया कोटा का 50% का जो सीट बचेंगे उनको राउंड टू के बाद। इसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग चलेगा इसके लिए थर्ड राउंड का रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 24 सितंबर टू 27 सितंबर, ये दोपहर को 12 बजे तक दिया हुआ है। और इसका जो च्वाइस फिलिंग का डेट है वो 25 टू 27 सितंबर, और जो अलॉटमेंट प्रोसेस होगा वो 28 टू 29 सितंबर, रिजल्ट जो आएगा थर्ड राउंड का वो 30 सितंबर को, और जो ज्वाइनिंग करना होगा जिन्हें सीट अलॉट हो चुका होगा वो 1 अक्टूबर टू 5 अक्टूबर 2021 तक। इसके बाद थर्ड राउंड के बाद जो आपको होगा, थर्ड राउंड को ही मॉपअप राउंड बोलते हैं, मॉपअप राउंड के बाद जो भी सीटें बचेंगे वो सीट रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। इसके लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। 5 नंबर पॉइंट आप देखिए पढ़ लीजिए, ट्रांसफ़र ऑफ नॉन रिपोर्टिंग, जो नॉन रिपोर्टिंग सीट होगा मॉपअप के बाद भी या नॉन ज्वाइनिंग सीट, ये वैकेंट सीट को रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, यानी कि जो डीम्ड का सीट बचेगा और डीम्ड कॉलेज में चला जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बचेगा और सेंट्रल कॉलेज यूनिवर्सिटी में चला जाएगा 6 अक्टूबर 2021 को। इसके बाद स्टेट स्टार्ट होगा स्टे वैकेंसी राउंड। 6 पॉइंट में देखिए, स्टे वैकेंसी राउंड जो होगा वो होगा 6 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर के बीच में स्टे वैकेंसी राउंड होगा। स्टे वैकेंसी राउंड होता क्या है, इसको स्पोर्ट राउंड भी बोलते हैं। इसके लिए जो काउंसलिंग होगा वो पार्टिकुलर आपको कॉलेज में जाना होगा जिसमें सीटें वैकेंट होंगे, उस कॉलेज में जाके आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होगा ऑल डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। इस तरीके से काउंसलिंग होगा। बाकी जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं
स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।